हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक भक्त के श्राप के कारण विष्णु भगवान को यानी श्री हरि को शालिग्राम बनना पड़ा। कौन सी भक्त थी जिनके अंदर विष्णु भगवान की भक्ति इतनी थी कि विष्णु भगवान को भी उनके श्राप के कारण बन जाना पड़ा शालिग्राम। पद्म पुराण वह पुराण जिसमें ये बतलाया गया है कि जालंधर नाम का राक्षस, जिसकी पत्नी वृंदा बहुत बड़ी तपस्विनी थी और विष्णु भगवान की दिन रात पूजा किया करती थी, साथ ही बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, यानी उसकी तपस्या और बल के कारण ही, उसके तपोबल के कारण ही जालंधर को कोई छू भी नहीं सकता था और जालंधर का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि शंकर भगवान को भी उसने युद्ध में परास्त कर दिया था। अब बारी थी विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान ने भी जब देखा कि युद्ध करने के पश्चात वो किसी भी तरह जालंधर को हरा नहीं पा रहे हैं और वो विजयी बनता चला जा रहा है, तो उन्होंने छल और कपट दोनों का सहारा लिया। जालंधर बनकर वो वृंदा के घर पहुँचे, यानी जालंधर के घर पहुँचे और वृंदा की तपस्या को भंग किया, उसके अस्तित्व को भंग किया जालंधर बनकर। इसमें उन्होंने गलती की। विष्णु भगवान को भी पता था कि वो छल और कपट का बिना सहारा लिए जालंधर को हरा नहीं पाएंगे, जिसका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। सारे देवतागण उसके आतंक के कारण परेशान हो रहे हैं। तब मजबूरी में आकर उसका वध करने के लिए विष्णु भगवान को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन विष्णु भगवान की असीम भक्त वृंदा को जब ये पता चला कि ये जिसे वो जालंधर समझ रही है वो वास्तव में जालंधर नहीं है, उनके पति नहीं है, बल्कि वो तो युद्ध में मारे गए हैं, तो वो अपने पति का सिर लेकर सती होने के लिए बैठ जाती है आग में और विष्णु भगवान से ये कहती है कि आपने छल कपट से मेरी तपस्या को, मेरे अस्तित्व को भंग किया, मेरे पति की मृत्यु हुई, मैंने तो आपकी पूजा की थी, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन फिर भी आपने मेरे पति को मारा और छल और कपट से मारा, मेरे पास भी मेरे पति के रूप में आप आए, इसलिए आपको मेरी मृत्यु के पश्चात भी मेरे साथ रहना होगा। विष्णु भगवान को देखा नहीं गया अपने भक्त का दुख और उन्होंने भी वादा किया। यही वृंदा मृत्यु के पश्चात उसके राख से वहीं पर जहाँ पर वो सती हुई थी एक पौधा निकला जिसे नाम दिया गया तुलसी। आज जिस तुलसी की पूजा हम लोग अपने घरों में करते हैं, वही तुलसी का प्रसाद, वही तुलसी विष्णु भगवान की हर पूजा में रखा जाता है। विष्णु भगवान के वादे के अनुसार देवोत्थानी एकादशी, वो एकादशी होती है जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, उसी दिन विष्णु भगवान और तुलसी माँ का विवाह किया जाता है, तुलसी विवाह के नाम से जो प्रचलित है। और इस प्रकार वृंदा के श्राप के कारण श्रीहरि बन गए हृदयहीन शिला, जिसे बाद में चलकर शालिग्राम नाम दिया गया। तो विष्णु भगवान अपने ही भक्त के श्राप के जाल में उलझ कर रह गए और युगों युगों तक उन्होंने ये प्रॉमिस कर लिया कि हे तुलसी, तुम्हारा और मेरा नाम हमेशा अमर रहेगा और तुम जिस प्रकार लक्ष्मी मेरी पत्नी है उसी प्रकार या उससे भी बढ़कर तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। जब जब जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी, तुलसी का पत्ता, तुलसी की पूजा, तुलसी का महत्व उस पूजा में ज़रूर होगा। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में ये नियम है कि शालिग्राम के बिना सत्यनारायण भगवान की पूजा अधूरी रहती है। और तो श्रीहरि का ये रूप, शालिग्राम का रूप, जो वृंदा के यानी तुलसी के श्राप के कारण उन्हें लेना पड़ा, क्या वो कलयुग में
खत्म होगा। क्या कल्कि अवतार उसे खत्म करेंगे? आप लोग के मन में ये प्रश्न होगा। तो विष्णु भगवान का शालिग्राम का रूप जो एक श्राप के कारण चलता चला आ रहा है युगों युगों से, कलयुग में खत्म होगा और फिर से वही चीजें एक बार अपने असली रूप में सतयुग में जाएंगी, यानी तुलसी फिर से एक बार वृंदा का रूप धारण करेगी और सतयुग में प्रवेश करेगी विष्णु भगवान के साथ। यानी जिस प्रकार की स्टोरी सतयुग में पहले थी, वही स्टोरी फिर से एक बार होगी। कल्कि अवतार श्राप मुक्त होंगे कलयुग के अंत में, क्योंकि ये चलता चला आ रहा है और सतयुग में ये श्राप दिया गया था और अब ये कलयुग है। तो ये कलयुग है यानी हर चीज खत्म होगी, तो श्री हरि भी अब श्राप मुक्त हो जाएंगे और तुलसी भी अपने असली रूप में आ जाएगी। तो ये है शालिग्राम की स्टोरी, यानी श्री हरि को क्यों लेना पड़ा शालिग्राम का रूप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई।